हेलो एंड वेलकम दोस्तों टू 5 मिनट इंजीनियरिंग। आज का वीडियो वाकई बड़ा कमाल का होने वाला है दोस्तों। आज नेटवर्क सिक्योरिटी मॉडल के बारे में थोड़ा बहुत जानने वाले हैं, क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं भाई, उन कंपोनेंट्स की जरूरत क्या है इस मॉडल में और इसका वर्किंग क्या है भैया, वर्किंग फ्लो क्या है वो तो समझ में आ जाए। तो वो अगर समझना है तो इस वीडियो को आखिरी सेकंड तक देखते रहिए, मेरे साथ बने रहिए। यहाँ पे सिर्फ आपसे सिर्फ दो चीजें एक्सपेक्टेड है, आपका थोड़ा बहुत टाइम और आपका थोड़ा बहुत फोकस, बाकी काम मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। काफी आसान बना दूंगा इस कॉन्सेप्ट को, इस लेक्चर को जिंदगी भर याद रहेगा कि भैया नेटवर्क सिक्योरिटी मॉडल क्या था। पहले शुरुआत करते हैं कंपोनेंट से भाई साहब, कि कंपोनेंट क्या चाहिए। जब भी हम लोग कोई ट्रांसमिशन करते हैं, चाहे वो डेटा हो, चाहे वो यू नो एनी कम्युनिकेशन मीडियम या फिर कुछ भी, मतलब डेटा मैसेज कुछ भी ट्रांसमिट अगर हमें करना हो, तो वहां पे हमें दो एंड्स तो लगते हैं भाई साहब। एक एंड जो सेंड करने वाला है और दूसरा एंड जो रिसीव करने वाला है। तो यहां पे मैंने एक सेंडर करके एक बंदा खड़ा कर दिया है और वहां पे एक रिसीवर करके बंदा खड़ा कर दिया है। तो सेंडर रेडी है, रिसीवर रेडी है। दूसरी बात कौन सी लगती है कि भैया सेंड क्या करना है, सेंड करना क्या चाहते हो, तो मैसेज सेंड करना है। तो इस केस में चलो मैसेज सेंड करते हैं, एक हेलो बोलना है मेरे को उसको, ठीक है हेलो बोलना है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे जो आपको एम दिख रहा है ना, एम यहाँ पे जो आपको एम दिख रहा है सर्कल में, दैट इज नथिंग बट ओरिजिनल मैसेज, दैट इज नथिंग बट ओरिजिनल मैसेज। ओके, तो ये आपका एम है ओरिजिनल मैसेज, जो कि प्लेन टेक्स्ट में है। प्लेन टेक्स्ट का इसका मतलब ये है कि वो रीडेबल फॉर्मेट में है। जैसे मैंने यहाँ पे हेलो लिखा है, अगर उसके पास ये हेलो पहुंचता है तो वो उसको समझ पाएगा, अगर वो पढ़ा लिखा होगा तो वो हेलो समझ पाएगा कि हाँ भाई ये मुझे हेलो कहना चाहता है। ओके, तो ये प्लेन टेक्स्ट में अंडरस्टैंडेबल एंड रीडेबल फॉर्मेट में, ठीक है। अभी उसके बाद दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि भैया मैसेज तैयार है, बंदे तैयार है, लेकिन जिसके मीडियम के थ्रू भेजना है वो मीडियम कौन सा है, वो भी तो कंपोनेंट डिस्कस करो। तो वो कंपोनेंट हमने यहाँ पे डिस्कस किया, एज अ मीडियम इज द इंफॉर्मेशन चैनल, मतलब एक सिंपली ऐसा मीडियम, एक चैनल हमने यूज किया है जिसके थ्रू होके हमारा जो मैसेज है इट विल बी गेटिंग प्रोपेगेटेड फ्रॉम सेंडर एंड टू द रिसीवर एंड, कहां से, सेंडर एंड से रिसीवर एंड पे, थ्रू दिस चैनल, थ्रू दिस मीडियम इट इज गोइंग टू गेटिंग प्रोपेगेटेड। सिंपल सा फंडा हो गया। ओके, ये कंपोनेंट हो गए। अभी आपको एक और कंपोनेंट दिख रहा हो कि भैया एम के साथ ई भी है, M के साथ तो E भी दिख रहा है, तो ये E क्या है। तो E सिंपली सी, E की जरूरत क्यों पड़ी पहले मैं ये बताता हूं, बराबर, फिर बताता हूं E क्या है। तो अगर मैं मैसेज ऐसे ही भेजूं तो बीच में अगर कोई एवी कोई भी बंदा आ गया, जिसे हम बोलते हैं अटैकर, अगर मैं मीडियम में भेज रहा हूं, बराबर, मीडियम में अगर मैं भेज रहा हूं अपने एम को, मतलब अपने सिंपल रीडेबल मैसेज को अगर मैं इस मीडियम में भेज रहा हूं, तो ये वाला जो रीजन होता है ना, ये वाला रीजन, ये सबसे हाईली वल्नरेबल रीजन होता है फॉर द अटैकर टू अटैक। मतलब यहां पे अटैकर्स बैठे होते हैं धाक लगा के, भैया जैसी मैसेज आए निकाल लो, पढ़ लो, समझ लो, जिसे हम लोग कहते हैं कि भैया इसने एक तो पैसिव अटैक कर सकता है, फिर एक्टिव अटैक कर सकता है, बराबर। तो अभी जब मैं ये प्लेन टेक्स्ट अपना भेजता हूं, ओरिजिनल मैसेज, ओके, जब मैं उसे भेजता हूं, तो अगर ये अटैकर ने उस मैसेज को ले लिया तो वो आसानी से उसको पढ़ लेगा, मेरे कॉन्फिडेंशियलिटी की बैंड बच जाएगी, मे बी अगर उसने कुछ मॉडिफिकेशन कर दिए तो डेटा इंटीग्रिटी की भी बैंड बच जाएगी। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसके लिए जॉब थोड़ा सा डिफिकल्ट बना देते हैं। इतना आसान नहीं है बेटा मेरे मैसेज को तोड़ना, तुझे मेहनत करनी पड़ेगी, मशक्कत करनी पड़ेगी, नॉलेज चाहिए, इसीलिए हम लोग इसके ऊपर इंक्रिप्शन लगाते हैं। क्या लगाते हैं, इंक्रिप्शन लगाते हैं, मतलब इंक्रिप्शन में हम सिंपली हमारा जो ये नॉर्मल टेक्स्ट है जो कि रीडेबल फॉर्मेट में होता है उसको नॉन रीडेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं, नॉन रीडेबल फॉर्मेट, नॉन अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट, इसे बोलते हैं इंक्रिप्टेड डेटा, इंक्रिप्टेड मैसेज, बराबर। तो ये इंक्रिप्टेड मैसेज फिर आपके चैनल के थ्रू जाता है, और अगर भले ही इंक्रिप्टेड मैसेज इसके हाथ में भी लग गया है, अटैकर के हाथ में, तो भी जब वो उसको देखेगा उसको कुछ समझ में नहीं आएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैसेज है हेलो, बराबर, तो इंक्रिप्टेड मैसेज कैसा होगा, एक्स वाई जेड ए बी सी डी समथिंग लाइक दिस। अभी इस बंदे को एक्स वाई जेड ए बी सी डी में क्या पता चलेगा कि भैया ये बंदा इसको हेलो कहना चाहता है, बराबर। तो होता क्या है, यहाँ पे इंक्रिप्शन में आपका जो एक्चुअल डेटा है वो हाइड किया जाता है और जो इंक्रिप्टेड डेटा है उसे एक्सपोज किया जाता है। तो एक्सपोज डेटा आपका ऐसा होना चाहिए जो कि नॉन अंडरस्टैंडेबल या नॉन रीडेबल है, क्योंकि एक्सपोज डेटा ही ये पढ़ पाएगा, ये एक्सपोज डेटा पढ़ पाएगा, एंड इट वोंट बी एबल टू, अगर ज्यादा ही शातिर अटैकर है तो फिर ये एक्सपोज डेटा को ब्रेक करके ओरिजिनल डेटा को रिट्राइव कर सकता है। लेकिन हम लोग इंक्रिप्शन एल्गोरिथम्स ही इतने स्ट्रिक्ट लगाते हैं, इतने स्ट्रांग लगाते हैं कि वो जो एक्सपोज्ड की जो दीवार है उसको तोड़ ही नहीं पाता कोई भी अटैकर। इतना स्ट्रांग इंक्रिप्टेड मैसेज हम लोग तैयार करते हैं और फिर उस मैसेज को हम लोग इंफॉर्मेशन चैनल के थ्रू पास करते हैं, ठीक है। अब यहां तक तो फंडा समझ गया। अब यही यहां पे पहुंचता है
इनक्रिप्टेड मैसेज पहुंचता है, बराबर। अभी इस मैसेज को हम लोग को कन्वर्ट करना है इनटू द नॉर्मल मैसेज, बराबर। बिकॉज इसको भी तो पढ़ना आना चाहिए ना, ये थोड़ी ना एक्स वाई जेड एबीसीडी पड़ेगा, ये ऑथराइज्ड यूजर, ये ऑथराइज्ड बंदा है। किसके लिए ऑथराइज्ड है? इस पर्टिकुलर मैसेज एम के लिए ये बंदा जो है ये ऑथराइज्ड है, और ये जो अटैकर है ये अनऑथराइज्ड यूजर है फॉर दिस पर्टिकुलर मैसेज। तो ऑथराइज्ड बंदे में तो पढ़ना चाहिए। तो अकॉर्डिंगली इस बंदे के पास, रिसीवर के पास एक डिक्रिप्शन एल्गोरिथम होगा फॉर दिस पर्टिकुलर इंक्रिप्शन एल्गोरिथम। तो वो डिक्रिप्शन लगाएगा। अब डिक्रिप्शन में क्या होगा कि ये जो भी आपका इंक्रिप्टेड मैसेज है वो कन्वर्ट हो जाएगा इनटू अ नॉर्मल मैसेज, ओरिजिनल फॉर्म जो कि इनिशियली था एम, तो वो एम में कन्वर्ट हो जाएगा। और जैसे ही एम में कन्वर्ट हो जाता है, वो सिंपली जो आपका क्या बोलते हैं रिसीवर है, वो उसको खोलेगा और पढ़ेगा, तो उसको लगेगा अरे हाँ, इसने तो मेरे को हेलो बोला भाई साहब ने, ही हैज सेड हेलो टू मी। लेकिन एक और चीज आप मिस कर रहे हो इस सब में कि भाई ये सब कुछ तो हो रहा है लेकिन आपने मुझे की के बारे में कुछ बताया नहीं। ये की क्या है? रिमेंबर There are two types of key. एक तो होती भैया public key, एक तो होती private key. बराबर, public key and private key. तो अभी हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं? जो भी encryption algorithm हम लोग लगाते हैं, जो भी decryption algorithm यहाँ पे हम लोग लगाते हैं, तो उसमें करते क्या है actually? What we are doing? कि इस message को इस key के साथ हम लोग उस algorithm में pass करते हैं, और फिर वो algorithm as a output encrypted data, encrypted message generate करता है, बराबर। तो in the process of encryption आपको दो चीजें लगती है, एक तो आपका original data, original message and key. वो पब्लिक हो सकती है, प्राइवेट हो सकती है, वो की आपको चाहिए, और एक बार वो मिल गया तो आप इंक्रिप्शन आसानी से पूरा कर सकते हो। और यहाँ पर रिसीविंग एंड में डिक्रिप्शन करने के लिए जब आपके पास ये डेटा होता है, कौन सा डेटा भैया? इंक्रिप्टेड डेटा, इंक्रिप्टेड मैसेज, तो उसको आपको डिक्रिप्ट करना है इनटू द नॉर्मल ओरिजिनल मैसेज। तो वहां पे ये रिसीविंग एंड वाला जो बंदा है उसके पास जो की है उस की को वो यूज करता है फॉर द डिक्रिप्शन algorithm एंड जनरेट करता है आपका नॉर्मल मैसेज, ओरिजिनल मैसेज, रीडेबल मैसेज। अब समझ में आया आपको? एक और चीज फिर भी आप मिस कर रहे हो, कौन सी चीज है कि चलो भैया मुझे ये समझ में आ गया कि ये जो की है ये सेंडर के पास पड़ी हुई है, बराबर, ये की सेंडर को बिलोंग करती है, ये की रिसीवर को बिलोंग करती है, इसीलिए तो रिसीविंग साइड पे हम लोग डिक्रिप्शन कर पा रहे हैं एंड सेंडिंग साइड पे हम इंक्रिप्शन कर पा रहे हैं, बराबर। इतनी बात समझ में आ गई। अब अगली बात ये आती है कि भैया इनके पास की आई कहां से? इनके पास पहले से थी? नहीं। तो आई कहां से भाई? कौन है वो बंदा जो इनको कीज प्रोवाइड करने में लगा हुआ है, समाज सेवा कर रहा है, ये कौन सा बंदा है? तो ये बंदा है थर्ड पार्टी, ये है थर्ड पार्टी, बराबर। थर्ड पार्टी का सबसे इंपॉर्टेंट एंड प्राइम एंड मेजर रोल जो ये होता है इस मॉडल में वो यही है टू डिस्ट्रीब्यूट द कीज, टू डिस्ट्रीब्यूट द कीज टू द रिसीवर एंड टू डिस्ट्रीब्यूट द कीज टू द सेंडर। तो जो कीज इस सेंडर को बिलोंग करती है वो कीज चाहे पब्लिक हो चाहे प्राइवेट कीज हो वो सेंडर को दे दी जाती है बाय द थर्ड पार्टी, और जो कीज चाहे वो पब्लिक हो या प्राइवेट हो जो रिसीवर को बिलोंग करती है वो इसको दे दी जाती है। सिंपली द कीज आर गिवन लाइक दिस। अभी थर्ड पार्टी भी कैसा होना चाहिए? इसकी एक टीआरपी फीचर है, ये थर्ड पार्टी ट्रस्टेड होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ट्रस्टेड, कि भैया भरोसेमंद आदमी चाहिए, नहीं तो ये तो आपको कोई भी कीज दे देगा और आप उसके ऊपर काम करोगे और आपका डेटा रिस्क में होगा। इसीलिए थर्ड पार्टी हमेशा ट्रस्टेड होनी चाहिए, टीटीपी हम लोग उसे बोलते हैं, ट्रस्टेड थर्ड पार्टी होना ही चाहिए, नहीं तो फिर उससे कीज मत लो, सिंपल सी बात है। तो ये मैंने आपको पूरा अभी फ्लो बता दिया कि क्या होता है कि भैया सेंडर कुछ मैसेज लिखता है, उसको बोलना है हेलो इस भाई साहब को, तो वो क्या करता है? की यूज करता है, इंक्रिप्शन परफॉर्म करता है, आउटपुट क्या जनरेट करता है? इंक्रिप्टेड मैसेज। वो इस चैनल के थ्रू जाता है, इस मीडियम के थ्रू जाता है, और यही वो रीजन है जो सबसे ज्यादा वल्नरेबल होता है फॉर द अटैक्स, चाहे वो पैसिव हो या फिर एक्टिव हो बाय द अटैकर्स। ओके, यहां से अगर बच गए तो फिर फाइनली आप रिसीविंग एंड पे पहुंचते हो जहां पे इंक्रिप्टेड डेटा के साथ आपका की यूज किया जाता है फॉर डिक्रिप्शन एंड एज आउटपुट आपका जो मैसेज है ओरिजिनल मैसेज वो यहां से रिट्राइव किया जाता है और वो दिया जाता है रिसीविंग एंड पे, और रिसीवर जो बंदा है वो जब उसको पढ़ता है हेलो तो उसको पता चलता है कि ये भाई साहब उसको हेलो कहना चाहते थे, तो वो मैसेज वहां पे उस तक पहुंच चुका है। तो इस तरीके से दोस्तों नेटवर्क सिक्योरिटी मॉडल आपका काम करता है। ये कंपोनेंट्स है, उस तरीके से उनकी रिक्वायरमेंट्स थी इस मॉडल में जो कि मैंने आपको यहां पे एक्सप्लेन कर दिया है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ गया होगा, थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा, अच्छा लगा होगा, तो जरूर लाइक कीजिए, लाइक करना भूलिएगा नहीं, और उससे भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। शेयर करते जाइए करते जाइए, एग्जाम बहुत पास है, सब तक इस वीडियो को पहुंचाइए, मेरी मदद को सब तक पहुंचाइए, आप शेयर कर सकते हैं, मदद को सब तक पहुंचा सकते हैं। थैंक्स अ लॉट दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।